नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम त्वचा और रक्त ऊतक विषहरण तेल के बारे में जानेंगे, जिसे एलादि तैलम कहा जाता है। इस तेल का इस्तेमाल सिर और बॉडी मसाज दोनों के लिए किया जाता है। इसे एलादि केर तैलम, एलादि केरम या एलादि नारियल तेल कहा जाता है। जब यह तेल नारियल के तेल के आधार से तैयार होता है तो केर तैलम या केरम कहते हैं। एलादि तेल का इस्तेमाल त्वचा रोगों जैसे एलर्जी डर्मेटाइटिस, दांत, काले घेरे, जाई, पिट्टी, खुजली और जुकाम के उपचार में किया जाता है। यह त्वचा के आरोग्य और बनावट में सुधार करता है। दोषपूर्ण दांतों, मसूड़ों और मुंह के रोगों, कान में दर्द, फोड़े, शुष्क त्वचा, एक्जिमा के निशान, मुहासे के निशान और त्वचा की अन्य स्थितियों में उपयोग किया जाता है। यह आंखों के नीचे काले घेरे में भी उपयोगी है। इसके लिए तेल की कुछ बूंदों को तर्जनी और मध्यम उंगलियों पर लिया जाता है और आंखों के नीचे काले घेरे पर धीरे से लगाया जाता है। इसे 30 मिनट के लिए छोड़कर फिर सादे पानी में धो लें। यह दिन में एक या दो बार किया जा सकता है। इस तेल को आंखों के संपर्क से बचे। एलादि तेल की सामग्री है तिल का तेल, इलायची, काली इलायची, कूट, तगर, चमेली, अगर, केसर, गुग्गुलु आदि। सहस्र योगम ग्रंथ के तेल योग प्रकरण के अनुसार एलादि तेलम के लाभ है। एलादि को वात कफो विषम च विनियच्छति, वर्ण प्रसादनः कंडो पिटिका कोटनाशनः। यानी एलादि तेल विषाक्तता में उपयोगी है, वात और कफ दोष को शांत करता है, रंग में सुधार करता है और खुजली, चकत्ते और पपल्स को ठीक करता है। इसका सिद्धांत, इस हर्बल तेल में जड़ी बूटियों को तिल के तेल के माध्यम से जड़ी बूटी के पानी के काढ़े के साथ मिलाया जाता है, फिर ठोस अपशिष्ट जड़ी बूटी सामग्री को फिल्टर किया जाता है। इस प्रकार इस तेल में औषधीय जड़ी बूटियों के तेल में गुणनशील और पानी में गुणनशील फाइटो सक्रिय सिद्धांत होते हैं। एलादि तेलम और एलादि केरम के अंतर। एलादि तेलम को आधार के रूप में तिल के तेल का उपयोग करके तैयार किया जाता है और एलादि केरम को आधार के रूप में नारियल के तेल का उपयोग करके तैयार किया जाता है। नारियल तेल का आधार तेल को शीतलक, सुखदायक और पुनर्जलीकरण बनाता है, जबकि तिल के तेल का आधार तेल को अधिक कफ संतुलन बनाता है और खुजली और एलर्जी त्वचा की स्थिति में अधिक उपयोगी होता है। यह कई आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे कि एवियन, नागार्जुन, वैद्यरत्नम औषधालय कोट्टकल आदि। इस अद्भुत तेल पर किए गए शोध के लिए मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी द्वारा मुहासे पर एलादि तेल की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए एक यादृच्छिक नियंत्रित डबल ब्लाइंड पायलट अध्ययन किया गया है। इस तेल का उपयोग गर्भावस्था, स्तनपान की अवधि और बच्चों में चिकित्सीय देखरेख में किया जा सकता है। बच्चों में त्वचा के एक छोटे से क्षेत्र पर एलर्जी के लिए तेल का परीक्षण करना सबसे अच्छा है। तेल की दो बूंदे बच्चे के बांह पर लगाएं, उस जगह पर निशान लगाएं, इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और किसी भी तरह के एलर्जी के लिए देखें। अगर कोई एलर्जी है तो इस तेल का इस्तेमाल ना करें। कुछ डॉक्टर इस तेल को अन्य तेलों जैसे नालपामरादि तेल, कुंकुमादि तेल, मंजिष्ठादि तैलम आदि के साथ मिलाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।